नमस्कार आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत सासु बहु थाली को आउ बाबू तो आम स्टार्ट करदेले अलरेडी जहाँ जिनस थुआ है ना से लोभटा कंट्रोल कर पारेनि मिठाई बनवा पूर्व खाइबा स्टार्ट हो गला तो आपण माने जानि पारथुबे कि आज मिठार ही किसी रेसीपी नहीं कि आम आसुच मत मिठा पूरा पूरी मना निजो कंट्रोल कर पारे खाई जी स्टाइल ले केमती आमे घरे मीठा बने परबा किंतु गोटे रिच मीठा हेतेबार चिंति नै कि एडजस्टमेंट करी किछि गोटे लड्डू टाइप रो बने दवा कि किछि भी थोइ दवा आ कहबा कि मीठा बनेले से कथा नै आमे बहुत बढ़िया मीठा जी बनेबा जोटा समस्ते भल पांती घर मानन करे गोटे होची काजू कटली बा काजू बर्फी जोटा को कहबा आज ई एपिसोड टा को एन्जॉय देखंतु बहुत इजी प्रोसेस रे केमती घरे आपण बनेबे हम तो के हलवाई वाला नुए बट आमे ट्राई करी करी जेती जहां सिखिचू तो केमती परफेक्ट स्टाइल ले ताको बनेबे आ प्रेजेंट करबे तो से जिंस आज आमे वीडियो रे डिस्कस करबा आ बनेबा ता सहित वीडियो जदि भल लागिला वीडियो को लाइक करिया को भूलिबेनी चैनल ले नुआ हेतले सब्सक्राइब करिवे आ आपन के संग मान सहित शेयर कर तो चलन तो स्टार्ट करबा हमर वीडियो आ देखिनमा कोन कोन सब इंग्रेडिएंट रेडी करा हेजी काजू कटली पाई फर्स्ट हमको कौन दरकार इनग्रीडियंट्स टिके देखिना बा देखंतु तार रिक्वायर्ड क्वांटिटी मु डिस्क्रिप्शन ने दे देबी आ पकेला बेले भी आपन को कहि देबी तो फर्स्ट मु देखि दउची कौन कौन इनग्रीडियंट्स दरकार एक तो काजू ता सहित हमको चीनी दरकार घी दरकार टिके खीर दरकार आउ इलायची पाउडर बहुत रिच लगे खाला तो फर्स्ट आपको देखे कौन नौचे देख काजू नी गोटे सब गोटा काजू ने जदि आप भंगा काजू अच्छी धोबे सुखेबे आपर ही से पूरा सुखला ही ने कहीं भंगा काजू रे टे डी पार्टस रही जाए जोटा कला करदे आपको काजू कटी को तो गोटिकिया काजू सब प्रेफर करेंगे नापी आहेतु मोर एटा नुआ ब्लेंडिंग जारटा तो मत प्रोब्लेम हमारी कि आपंकर पुराणा ग्राइंडर जारे कर तो जार ब्लेड सार्प ना तो बहुत चूना हुए तो आम कौन करवा छंका छाणी छाणी की नुआटा जेहे डायरेक्टली ब्लेंड हो तो मुझे फटाफट किसी पानी वाणी कि दबा ना खाली आमको फाइन पाउडर बनवर अच्छे एका संगे न घूरे कि अधा अधा करदे जमी आप कारण फर्स्ट जदि जोर कि घूर देवे ना तो सबुतक जमी तेल भाया हो कष्ट तो से एमती भाव में फर्स्ट टिके पाउडर बाहर जापर पुणी थे आउ थे घूरदे तो एमती दुई तीन थर कर घूरवाक पड़ा आई थिंक मोस्ट अफ द पार्टस बाहरी जातीक लास्ट रोक थर कर घूरदे देखो टिके अधिक ही गले सेरा ही बड़ा ही जो कंदो फाइनली मोर इतनी की रेसिड्यू बंची गला आ आकु जदि मु घुरेबा को जिबी भी मोर ग्राइंडिंग हे परिवन तो ये ऑलमोस्ट गोटे चम्मच बराबर तो एटा को आमे कोन करबा रखी दबा केतले मसला असला बाटला बळ को ताको बाटी दबा एबे देखंतु हाथ रे टिके भी पानी रहबार नै त देखंतु केते फाइन पाउडर बाहरला जदि आपण मुए मिस्टेक बहुत थर करछी सेपे आपण कहछी जदि आपण एका थर के ताकु ग्राइंड कर देबे त सेतु तेल भलिया बाहर पडिवो त सेति पई सेमती करबेनी अल्प टिके घुरेबे पुनि छांकी देला भलिया छांकी देबे आ तापर पुनि थर घुरेबे एमती करि करके आपण पाउडरटा बाहर करबे आ लास्ट रेसिडियु जो चमच खंडे रहबे ताकु रखि देबे केतले मसला बतला होले पके देबे त सेटा को एतरा ऐड करबेनी कारण हमर बाइंडिंग रे प्रॉब्लम हो तबे हे गेला हमर काजू रो पाउडर रेडी चलन तो नेक्स्ट जिंस बनेबा पैन बसेबा और सेथिरे दबा चीनी हाफ कप और सेथिरे दबा 1/4 कप पानी
सिराटा बनेबार अछि वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी रो सिरा बनेबार अछि तो आमे चीनी मेल्ट होबा पर्यंत पूरा वेट करबा आ तापरे जेतेबेले भल से बॉईल हे कि वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी रो हमर सिरा बनि जीवो तापरे जाय कि आमे से काजू पाउडर को ऐड करबा देखु एटा बारंबार आमको टे चेक करिया को पड़े कि एटा वन स्ट्रिंग हला कि नहीं डबल स्ट्रिंग हबार नहीं कि वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आमको दरकार सिरार तो एपर्यंत एटा हेइनी आहुरी हबो तोड़वा देखे तोड़वा देखे ओपटा मंगला देखि जे हे गेला वन स्ट्रिंग देखु एटा पूरा वन स्ट्रिंग आसीबा स्टार्ट हे गेला तो आमे आकु एबे बन एथरे पके दबा काजू रो जो पाउडरटा आउ बेसी लेट करिवेनी कहीं वन स्ट्रिंग हवा पर्यटन आप वेट करेंगे एथरे बाबू टी गोटे चमच घीटा पकानी आई चमच से जो क्षीर रखी से इलायची पाउडर टिके रखी चोपाउडर बाहर कर दो छ हां चोपाउडर बाहर कर खाली टिके पाउडर दबा बेसी ये नै एति केला हमर इंग्रेडिएंट जोटा में ऐड कर देले त एपे आकु भल्ल से आमे घांटी किरी पूरा सुखा बनेबा नेटा हमर सिझिबार अछि देखंतु आकु आमे लो फ्लेम रे घांटीबा न लागि जिवो जानचंती काजूटा बहुत जल्दी लागि जाय ना तो सेति पई कि लो फ्लेम रे घांटीबे आ जहा क्वांटिटी कहिछे एग्जैक्टली सेति कि जदि देबे ना तो परफेक्टली हबो ताक आमे पूरा सुखा कला पर्यंत घांटीबा गोळीबा नै गोटा हे जिवो नै कि एटा जतळ हेई आसीबो ना से छाडीबा स्टार्ट करे चारिकडो देखंतु एटा होची से स्टेज जेतेला आपण जानिबे आपणकर काजू कटली हेगला पूरा देखुचंदी जोबळा माने गोळेला बळको से पूरा गोटे हेकिरी गोळई होबा स्टार्ट हो त एटा होची परफेक्ट स्टेज एबे आमे आकु बाहर कर दबा आ जदी के भाबुथिबे कि आपणकर भल कि सेटल हेइनी कि सिराटा जानि पार नांती तो एटा एमती स्लो फ्लेम रे 2-3 मिनिट भी घांटी देले आपणकर प्रॉपर्ली हेजिवो माने जेमती मु देखैली आपणको एका संगे सेटा बुलीबा स्टार्ट करिवो तो सही हे परफेक्ट तो ये आपको आम बाहर करदे गोटे थाली में घी मारिक रखी से मुझे काढ़ी दूच आपको भल से क्लीन करके आम काढ़ी दबा देखते जदि बटर पेपर थाए बटर पेपर करपर कि आमर थाली स्टील थाली ठार बेटर जिनस किसी ना तो एमती स्टील थाली रे ही घी देकर टेमती डो भाया जमी आम चकुटी देला भाया करदे आ गोटे जगह को नहीं आसवा प्रपरली कर पतला कर फैलेबा को चाहूचे सेमती फैले पारिबा जदि एटा आपण समान माने एडजस्ट करिया को चाहूचंती कंसिस्टेंसी टा माने पूरा प्रॉपर्ली अमर हबार अछि गुटे पॉलीथिन पेपर देकिरी ता उपरे टिके बेली दबा बटर पेपर थिले बढ़िया ऑप्शन आपण को सॉरी जे बटर पेपर त
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଯୁଗାଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଯଦି ନଥିବ ବଟର୍ ପେପର୍ଟା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କରିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ବେଲିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସେଟେଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସେଟେଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କଟ୍ କରିବା। ତ ଥିକ୍ନେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତିକି ରଖିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଥିକ୍ ରଖିବେନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆମେ ୟାକୁ ଯେହେତୁ ଭଲକି ସ୍କୋୟାର୍ କରି କାଟିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ କି ସ୍କୋୟାର୍ ସେପ୍ କରିବା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଟିଦେବା। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେନି ଆଉ ତାକୁ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କରିକିରି ତା'ର ବାହାର କରିଦେବା ସେ ପୋର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇଦେଇପାରିବେ, ସବୁ ହିଁ ନିଜେ ଖାଇବା ଆମେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଥୋଡ଼ି ନା, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା କି ପ୍ରପର୍ଲି କରିବା ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦିଏ, ସୋ ଆମେ ଆକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ହଇରାଣ, ତ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେନି ବେଶୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ସିଲଭର୍ ପେପର୍ ଫଏଲ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି କି, ଛାଡ଼ ମୋତେ ଦିଅ। ଇଏ ମୋ ବୋଲ ମାନିବା ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ, ମୋତେ ସେ ବଡ଼ ଛୁରୀଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କରିଥିବା ନା, ତ କେତେ ଇଜିଲି ସେ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣ ବି ଲାଗିବନି, ପୁରା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମର କାଜୁ କଟଲି ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କାଜୁ କଟଲି ବା କାଜୁ ବର୍ଫି। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଆମେ ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହଲୱାଇ ବାଲା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଛେ, ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ କାଜୁ କଟଲି ବନିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଥିକ୍ନେସ୍ ବି ପ୍ରପର୍ ରଖିଛେ। ତ ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟ୍ରାଏ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଇ ରିଚ୍ ମିଠାଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ହାଫ୍ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ରୁ, ସେଇଟା 100-200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ